तो फिलहाल की तस्वीरें जो जीन से आप देख रहे हो और सांप देखो स्नेक देखो कितना एक्टिव है राम राम जी सारा मऊ के गया प्रीति को तो फिलहाल हम जींद में मौजूद हाँ और हमारे साथ में सांपों के खिलाड़ी यानी अपरक्षक भी कैस का हाँ मुकेश स्नैकमैन जी हमारे साथ मौजूद है और आज भी इन्होंने सांप दो सांप है जो आज भी इन्होंने पकड़े हैं तो इन तो बात करेंगे कौन से कौन से सांप है जो इन्होंने पकड़े हैं और इन्हू भी पता करेंगे कि कब तक ये सांप पकड़ने लाग रहे हैं और कौन सी कौन सी प्रजाति के सांप है जो अभी तक इन्होंने पकड़ लिए हैं तो नमस्कार नमस्कार जी जी राम राम सारे भैया ने अभी तक आपने कितने कि सांप पकड़ लिए? मैंने लगभग छह सौ के करीब सांप पकड़ लिए जी और आज आपने जैसे बताया कि आपने दो सांप मैंने। मेरे पास है। एक, धामन है और एक कोबरा साहब कोबराबरा ब्लैक कलर में है। और एक पंडो में फैक्ट्री के अंदर था ये और ये जो कोबरा है ये मैंने सेक्टर आर्ट के बिल्कुल पीछे पड़ती है आदर्श खेल अकेडमी वहाँ से पकड़ा है ये बहुत मेहनत से पकड़ा गया है चार घंटे की कड़ी मेहनत तो शाम को की है

जिसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं निशाचर सांप होता है जो रात को छह बजे के बाद निकलता है सुबह पांच बजे तक एक्टिव रहता है ये दो सांप है नाइट का और दिन और रात का सांप है कोबरा ये दो ही सांप हमारे यहाँ जैरला है बाकी सांपों में किसी में जहर नहीं है तो हमारे यहाँ पे कौन से कौन से प्रजाति के सांप ज्यादातर मिले हैं धामन सांप है कॉमन बुल स्नेक है वाटर स्नेक है जिनमें जहर नहीं है ये खूब निकलते हैं हमारे यहाँ देखो कोई झाड़ा फूक वाले भी का हम हो फूकते हैं जो साँप का इलाज कर दे वो कर देते हैं जी पंचानवे परसेंट सांप जिनमें जहर नहीं होता उनका इलाज वो कर देते हैं लेकिन जो पाँच परसेंट है उनका वो इलाज नहीं कर पाते और वो आदमी की मृत्यु हो जाती है इसलिए कभी भी अगर सांप बाइट करता है तो सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए एंटी वैनल लगाएं एंटी वैनल भी आपकी जान बचा सकती है ओझा तंत्र में अंदर झाड़ फूक के तर में ना पड़े

का पास में तो जैसे आपने बताया हाँ इंस्ट्रूमेंट है नहीं है जी हम मैं बैठा हूँ आज किसी भी टाइम फोन कर सकते हैं मेरे पास सुबह छह बजे से लेके रात को दो बजे तक मैं गया हूँ पूरा दिन भी जाता हूँ रात को भी जाता हूँ ऐसा कोई टाइम नहीं किया मेरे पास कॉल आएगा और मैं नहीं जाऊँगा तो कॉन्टेक्ट नंबर की बात करी जाओ अगर आप मेरा मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है जी नाइन जीरो थ्री फोर फाइव नाइन जीरो फाइव फोर एट एक बार पूरा एड्रेस है जो आपका बता दो मैं पूनम गैस सर्विस में तो जॉब करता हूँ और मेन बाजार में मेरा मकान है

ऐसा है जी बगैर जहर का जो सांप है उसके साथ वो खेलवाड़ कर सकते हैं मतलब है कि में नहीं, होता नहीं होता जी पिचानवे परसेंट सांपों में नहीं होता हमारे यहाँ पे मतलब तर में नहीं, होता नहीं होता जी हमारे साथ सिर्फ पाँच परसेंट हिस जहरीले हैं और दोनों ही मैंने आपको नाम बता दिया रसल पर है जो हमारी साइड नहीं मिलता है रसल पर कुछ करनाल की साइड देखा गया है बाकी हमारी साइड कहीं नहीं है जी कॉमन क्रेट को जी देखो मैन मुकेश जी हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने बताया कि अनजान व्यक्ति है कोई भी सांप पकड़ने का प्रयास नहीं करा अगर किसी ने सांप दिखा है तो तुरंत इनके पास में कांटेक्ट करें और इन्हें बुला लें अगर कोई बुलावा कोई फीस वगैरह तो नहीं मैं तो आपे? चार्ज नहीं करता इस चीज़ के लिए क्यों नहीं लेते जी जी आप ऐसा सेवा करनी है तो सेवा ही करनी है वो पैसे से सेवा नहीं होती लेने से देखो तेल फुके जी कोई बात नहीं है किसी का ब्यो दो तो तेल डलवा दे नहीं हो तो मैं उस कभी किसी से मांगते दस रुपए भी नहीं मतलब स्वयं तो आप नहीं मांगा नहीं 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 मिल जेब अलाउ कर लिया जी कोई बात नहीं मैं कर रहा हूँ जब जेब अलाउ ना करे तो हो सकता है कभी कुछ लेना भी पड़ता है लेकिन जेब जेबलाउ करती है देखो आपने बताया छह सौ के आसपास है जो आपने अभी सांप पकड़ लिए कभी ऐसा भी होगा किसी सांप ने जो आपको काटे हो हाँ मेरे को काटा जी खूब सापो ने काटा है तो आपने क्या फिर दामन साहब ने काटा एक वो चटन इंजेक्शन में बिल्कुल ठीक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके अंदर जहरी नहीं है कोबरा साहब खूब एक्टिव दिखाई दूंगा जो छोड़ेंगे पैंतालीस तो मिनट के बीच मतलब में आपको हॉस्पिटल पहुंचना पहुंचना पड़ेगा देखो साहब की पहचान करना भी मुश्किल हो जाए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्यूँ मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दे दिया अगर कोई भी साहब काटता अगर फोटो खींच ली मेरे को फोटो भेज दो मैं बता दूंगा साहब में जा रहा है या नहीं है और उसका इलाज भी बता दूंगा और जाके इलाज करवा भी दूंगा गया। एक बार कोबरा सा कोबरा सांप होता है जी और किसी में फन नहीं होता है वो काले रंग का सांप होता है उसके ऊपर सफेद रंग की लाइनिंग होती है और जो बाकी और तो सांप जहरीले है डॉक्टर के पास में जाने की जरूरत नहीं लगवा लो जी अगर वो सांप जहरीला नहीं है अगर सांप जहरीला है तो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही पहुंचना पड़ेगा एंटीवेनम वहाँ फ्री में पाँच रुपये की पर्ची में इलाज होता है और अगर इसकी जैसे आपने बताया घोड़ा पछाड़ हाँ हाँ इसकी पहचान क्या है घोड़ा पछाड़ की पहचान ये जी मुंह तो आगे से बिल्कुल पतला मिलेगा मैं अभी घोड़ा पछाड़ भी दिखाऊंगा आपको मूवी के अंदर उसका मुँह भी दिखा दूंगा सबको दिखा दूंगा आपको उसकी पहचान भी बता दूंगा साथ में धन्यवाद बिल्कुल आपका देखो स्नेक मैन मुकेश जी हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने बताया कि तो अनजान व्यक्ति है कोई भी इस सांप पकड़न ने पकड़ने का प्रयास ना करिए कोर्स कर रखा है इस इन्होंने और बताया कि किसी सांप लड़ने के बाद है किसी जाड़ा फूक के पास में ना जाओ सीधे है जो मेडिकल में जाओ ट्रीटमेंट करवाओ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर कॉन्टैक्ट करना चाहो तो आप स्नेक मैन का कॉन्टैक्ट नंबर है जो वीडियो में दे दिया जाएगा आपका